क्लासेस गाइस, प्रैक्टिस सेट 73 है आज हमारा, और ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। EMRS और DTPLS भी हो, UP TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का TGT PGT एग्जाम सब देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप बिल्कुल इसको देख सकते हो, और अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे गाइस। और इतना ही चाहिए आपसे फेवर, और एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने बोला था मुझे ये करने के लिए, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आप लोग कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसका आंसर मुझे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पूरा देखिएगा वीडियो को ताकि बहुत फ़ायदा आपको मिल पाए इस सीरीज़ का, है ना। चलिए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को ज़रूर से, है ना। देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वंस आइज आर व्हाट वंस इज, वंस माउथ व्हाट वन बिगिन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने एक दो बार पहले भी करा दिया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रही हूँ। तो इसमें गाइज आप जाएंगे किस पे, फ्लावर विल्डरनेस, जो कि जॉन गर्ल्सवर्दी का है, ठीक है, जॉन गर्ल्सवर्दी का ये वर्क है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। स्पेंसर्स मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन, आप जानते हो कि स्पेंसर की फेरी क्वीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये एलिगरी है ये एक, और इसको आप देख लीजिए। इसमें बताना क्या है आपको कि मोटो क्या है इसको लिखने का, टू प्लीज एंड ह्यूमर क्वीन एलिजाबेथ, उनको खुश करना, टू जस्टिफाई होलीनेस एज द ग्रेटेस्ट वर्चू, टू सेव द ह्यूमर ऑफ वुमनहुड, या फिर टू फैशन अ जेंटलमैन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। तो यही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। द राइमिंग स्कीम ABAB, BCBC, CDCD, EE belongs to, ये किससे गाइज बिलोंग करती है इसकी आपको बताना है। तो ये स्पेंसरियन सोनेट से बिलोंग करती है, ठीक है, याद रखिएगा, स्पेंसरियन सोनेट से बिलोंग करती है, और शेक्सपियरियन, और अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, स्पेंसरियन मिल्टोनिक आप एक ही जानेंगे दोनों को, और अगर बात करेंगे शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश सोनेट की, तो उसमें आपकी ABBA, ठीक है, ABBA, CD, सॉरी एक सेकेंड, ABAB, ठीक है, CD, EF, EFGG, ये वाली हो जाएगी, है ना। चलिए, एन एलिजी इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक एंड फोकसेज ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड थॉट्स यूजिंग, तो एक ऐसी एलिजी टाइप है लिरिक का, जो फोकस करता है एक्सप्रेसिंग इमोशन को एक्सप्रेस करने में, एंड थॉट्स यूजिंग, और जो थॉट्स हैं उनको यूज़ करने में। तो हीरोइक कपलेट है, एंड ऑक्टेव एंड सेस्टेट होगा, फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर होगा इसका, या फिर एलिटरेशन है। तो देखिए इसमें आपका सी ऑप्शन है, फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन ऑब्जेक्टिव पोएट्री, लिरिक होती है, ओड होती है, एलिगरी या फिर सोनेट, किसको आप ऑब्जेक्टिव कहेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव होती है हमारी एलिगरी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो एलिगरी पे जाएंगे आप लोग। डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एलिगरी, एलिगरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर पैसिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म है, सिम्बॉलिज्म है, या फिर नन। देखिए इसमें सिम्बॉलिज्म है, सिम्बल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक साइड एक आपकी जो एक तो आपकी कहानी रहती ही है, और दूसरी जो रहती है वो आपकी एक मीनिंग होता है, तो एक स्टोरी आपको सामने नज़र आती है, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है एलिगरी के अंदर, अगर आप देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इन द 15th सेंचुरी डैश वॉज इन एबंडेंस टू शो द कैथोलिक डॉक्ट्रिन, तो मॉरेलिटी प्ले आएगा यहाँ पे, क्लासिकल प्ले, रिलीजियस प्ले, या फिर सरकास्टिक प्ले। तो देखिए 15th सेंचुरी में जो मॉरेलिटी होते थे वो एबंडेंस टू शो द कैथोलिक डॉक्ट्रिन वहाँ पे दिखाया जाता था, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन पे जाएंगे। द वर्ड एलिगरी हैज़ बीन डराइव्ड फ्रॉम वर्ड एलिगोरिया से इसको लिया गया है, बट कहाँ का वर्ड है ये, मतलब कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है जो एलिगोरिया है, तो ये इसका यहाँ पे बताना है आपको। और एक चीज़ और गड़बड़ हो रही है, एलिगोरिया जो है ALL होना चाहिए, ठीक है, ALLEGORIA, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो आपका वर्ड बनता है गाइज, ये लैटिन का है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है एलिगोरिया, ठीक है ना। Who performs Romeo and Juliet's marriage? कौन करवाता है इनकी शादी, तो फ्रायर लॉरेंस नाम का ये जो प्रीस्ट होता है ये करवाता है। टू वट डज रोमियो फर्स्ट कंपेयर जूलियट ड्यूरिंग द बालकनी सीन, बहुत फेमस है इसका। तो इसमें सबसे पहले जो है इसमें बताना है कि इस दौरान रोमियो किससे कंपेयर करता है जूलियट को, तो बालकनी सीन में, तो ये मॉर्निंग सन हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ एंड वेयर डज रोमियो कमिट सुसाइड, कहाँ पर सुसाइड करता है रोमियो, तो विद अ डैगर इन द ऑकर्ड, विद अ रोप इन द पब्लिक स्क्वायर, विद
द रोस्टेड इन जूलियट्स पेट चैम्बर या फिर विद अ पॉइजन इन जूलियट्स टूम। देखिए जूलियट्स की टूम में, क्योंकि जूलियट मरी नहीं थी, आप जानते हो, अगर आपने इसकी स्टोरी पढ़ी है तो आप जानते हो कि जूलियट मरी तो नहीं थी, वो थोड़े टाइम के लिए उसको जो है एक ऐसी दवाई दी गई थी जिससे वो लगे कि मर गई है, बट रोमियो को जैसे ही पता चलता है तो वो पॉइजन खा के मर जाता है ना, और बाद में फिर जैसे ही जूलियट उठती है कि भाई ये तो मर गया रोमियो, तो फिर वो भी सुसाइड कर लेती है। तो इस तरीके से जो है स्टार क्रॉस्ड लवर होते हैं ये, इसका मतलब है कि जो लवर कभी मिलते नहीं है तो उसको स्टार क्रॉस्ड कहा जाता है लिटरेचर के अंदर। तो ये हमारा जो आंसर है डी हो जाएगा यहाँ पर। ऑन व्हाट डे डू रोमियो एंड जूलियट मीट, किस दिन मिलते हैं ये लोग, तो संडे का दिन होता है गाइस, यानी कि सी ऑप्शन। इन व्हाट डिकेड वाज रोमियो एंड जूलियट रिटन, किस डिकेड के अंदर इसको लिखा गया था, तो इसका आंसर आप जानेंगे ये 1590s के दौरान इसको लिखा गया था, 1590s के दौरान डी ऑप्शन होगा। विच वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एक्सिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गोडविन, इनके कौन से वर्क्स पे हमें विलियम गोडविन का इन्फ्लुएंस नज़र आता है वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क्स पे, तो गाइज यहाँ पे गेल एंड सोरो है, द बॉर्डर्स है, द प्रिल्यूड है, और बोथ एंड भी है, तो ये डी ऑप्शन होगा, यानी कि गेल एंड सोरो और जो द बॉर्डर्स इनका वर्स्ट प्ले है, इसको इसमें जो है एकमात्र ओनली वन इनका वर्स्ट प्ले है, तो इसमें ये हो जाएगा आपका, ठीक है, बोथ एंड भी। विच ऑफ हिज प्ले गार्सवरी डिस्क्राइब्ड एज द ओनली प्ले ऑफ माइन, एकमात्र ऐसा मेरा प्ले विच वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज, जब मैंने इसको ख़त्म किया तो किसी ने भी इसको पब्लिश करने से मना नहीं किया। तो ऐसा कौन सा प्ले, द सिल्वर बॉक्स है, विंडोज है, लॉयल्टीज़ है, अबिट ऑफ लव है, तो लॉयल्टीज़ है यहाँ पे, शायद 1922 के दौरान ये आया था लॉयल्टीज़। अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड, एक ऐसी फ्रेज जो हमेशा ही सच साबित होती है संसार में किसी के लिए, लोगों के लिए, तो एफोरिज्म है, एडिज है, प्रोवर्ब है, नन है, तो ये देखिए एडिज है, ठीक है, बी ऑप्शन। द ओरिजिनल पैटर्न और मॉडल फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉपीड और ऑन विच दे आर बेस्ड अ मॉडल और फर्स्ट फॉर्म प्रोटोटाइप, ठीक है, एक ऐसी ओरिजिनल पैटर्न जिसको मॉडल किया जाता है, विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, और कॉपीड किया जाता है इसको बार बार से, तो विच दे आर बेस्ड, जिस पे बेस्ड होती हैं चीज़ें कॉपी की गई हुई, तो अ मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म है ये, प्रोटोटाइप इसको कहते हैं, तो आर्केटाइप है, पैराडिम है, कैरिकेचर होता है, या फिर नन है, तो देखिए पैराडिम इसको कहा जाएगा, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। लाइक कीजिएगा इस, अगर आपको अच्छे लगने क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने जहाँ पे भी आप कनेक्ट हैं सोशल मीडिया पे। द टर्म क्रिटिसिज्म इज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोज विच मीन्स, किस क्या मतलब होता है क्रिटिकोज वर्ड का, तो एबल टू डिसन एंड जज, एबल टू क्रिटिसाइज, एबल टू अब्यूज, तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, यानी कि एबल टू डिसर्न या जज। द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल की कलेक्टिव नाउन क्या होती है, बंच, ग्रुप, बंच तो चाबियों का होता है, ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है, पोज या बैच, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, पोज। अ स्कॉलरशिप बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली, ठीक है, स्कॉलरशिप का क्या मतलब है, स्कूल बॉय होना चाहिए ना ये, एक सेकेंड गाइस, स्कूल बॉय होना चाहिए खाली, स्कॉलरशिप ये गलत हो गया टाइपो, तो स्कूल बॉय है जो हमेशा ही कट करता है क्लासेस को, तो उसको ट्रुएंट कहा जाता है, डी ऑप्शन है, ठीक है, साइकोफेंट होते हैं, चापलूस टाइप के व्यक्ति। और चलिए करेक्ट सीक्वेंस बताना है इसमें, तो इट ग्रीड एट अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप द सनसेट द ट्रेवलर स्टम्बलर ए फेल डाउन नथिंग वॉज विजिबल, तो इसमें देखिए जो आपका सही जो जा रहा है अगर देखें हम लोग, है ना, तो मेरे हिसाब से इट विल बी सेकंड वाला होना चाहिए, पहले आर आना चाहिए, ठीक है, पहले आपका आर आना चाहिए पहले नंबर पे, द सनसेट, ठीक है, क्योंकि सारी कहानी इसी पे है, सनसेट है, है ना, फिर आपका पी होना चाहिए दूसरे नंबर पे, पी होना चाहिए, द सनसेट इट ग्रीव डार्क, है ना, और फिर आपका होना चाहिए टी, यानी कि नथिंग वॉज विजिबल, भाई सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे ही तो चलेंगे ना चीज़ों को लेके, और इसके बाद आपका एस आएगा, है ना, एज द ट्रेवलर स्टम्बल्ड और फेल डाउन, ये गिर गया भाई, और लास्ट में आ जाएगा आपका दूसरे किसी स्ट्रेंजर ने इसको पिकअप किया, है ना, तो ये इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। इसमें भी करेक्ट सीक्वेंस है, हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल ही फाउंड व्हेन द फादर केम होम, तो ये यहाँ से ही स्टार्टिंग है इसकी, व्हेन द फादर केम होम, ये पहले नंबर पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, व्हेन द फादर केम होम, और फिर आपका क्यों होना चाहिए, जैसे कि ही फाउंड, जब घर फादर घर पे आए तो ही फाउंड, उन्होंने पाया, है ना, उन्होंने पाया, क्या पाया उन्होंने,
उन्होंने पाया गाइज कि हाँ टी हो जाना चाहिए फिर से दैट, कि जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं इसके बाद होना चाहिए पी, यानी कि हैड बिहेव्ड, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने व्यवहार किया है ना, बहुत अच्छे से व्यवहार किया उन्होंने, और वाइल ही वॉज अवे, ठीक है, ये आपका लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कौन सा बनना चाहिए, पहला ही बनना चाहिए, आर क्यू टी पी एस। द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म इज ऑफन अप्लाई टू द लिटरेचर एंड आर्ट आफ्टर, किसके बाद ये जो है पोस्ट मॉडर्निज्म जो है अप्लाई किया गया, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड। अच्छा, वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात करेंगे तो आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कब कब ये आए थे। तो वर्ल्ड वार अगर तो शायद 1914 से लेके, एक सेकेंड, हाँ 1914 से लेके ये शायद 19 तक था, है ना, 18-19 मान लीजिए, है ना। और जो वर्ल्ड वार सेकेंड है आपका ये 1939 से लेके 1939 से लेकर के कब तक था, शायद 45 तक था, है ना, जब तक देश आज़ाद हुआ तभी तक मान सकते हैं इसको। और जो रशियन सिविल वॉर है 1917 से लेके 22 तक था, ये 1917 से लेके 22 तक था। और लास्ट में अगर आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1919 से लेके, ये वाला आपका 1919 से लेके 21 तक था, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी याद रखिएगा, और इसका आंसर आपका बी होगा, यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड। अ कॉन्स्पिक्यूअस एलिमेंट सच एज अ टाइप ऑफ इंसिडेंट डिवाइस रेफरेंस और फॉर्मूला विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली, आई नहीं होना चाहिए वाला, ओ होना चाहिए, विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, जो वर्क्स ऑफ लिटरेचर में फ्रीक्वेंटली आता है, है ना। कॉन्स्पिक्यूअस एलिमेंट है जैसे कि टाइप ऑफ इंसिडेंट हो गया, डिवाइस हो गई, रेफरेंस हो गया, फॉर्मूला वगैरह हो गए, तो ये इमेज है, मोटिव है, मोटिव होगा ये वाला, है ना, बी ऑप्शन चलेगा। इज नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म टुक इट्स इम्पैचुअस फॉर्म, आइए की प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो कि 1924 में आया था, और इन्हीं का एक वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो कि 1929 में आया था, एंड फ्रॉम द क्रिटिकल एसेज ऑफ टी एस इलियट, ठीक है। तो इसमें न्यू क्लासिसिज्म है, क्रिटिसिज्म है, ये न्यू क्रिटिसिज्म की बात है या फिर किसकी, न्यू क्रिटिसिज्म की बात है गाइस, इन दोनों में ही, ठीक है ना। चलिए, हुज वर्क्स लेड फाउंडेशंस फॉर द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज एंड कल्चरल मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म की बात करेंगे अगर इस मोमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका रेमंड विलियम्स है, ए ऑप्शन करेक्ट है, इन्होंने ये फाउंडेशन जो है नींव रखी थी कल्चरल स्टडीज एंड कल्चरल मटेरियलिज्म के लिए, है ना। और इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, कल्चरल मटीरियलिज्म की बात करेंगे तो उस इस वर्ड को भी इन्होंने ही कॉइन किया था रेमंड विलियम्स में। इन विच वर्क मिल्टन राइट्स लव वर्चू शी अलोन इज फ्री, किस कहाँ पर आया था ये वर्क इनका, तो देखिए मिल्टन की का जो आपका आई थिंक इट विल बी, एक सेकेंड गाइज, मुझे जो लग रहा है ना, मुझे जो लग रहा है ये लाइन काफ़ी बढ़िया है वैसे, है ना, काफ़ी अच्छी लाइन है, और ये आपकी कॉमर्स में से ही होनी चाहिए मुझे, 1634 में आया था ये, है ना। तो इसमें लव वर्चू सी अलोन इज फ्री, ठीक है। टेनिसन्स इन मेमोरियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, किस चीज़ का एग्जांपल है, इम्पर्सनल एलिजी है, पास्टोरल एलिजी है, पास्टोरल एलिजी है, पर्सनल है या फिर नन, तो ये पर्सनल एलिजी है गाइस, पास्टोरल एलिजी की बात नहीं है, पर्सनल एलिजी है ये। मिल्टन्स राइटिंग्स वर बर्नड इन पब्लिक, पब्लिक में इनको बर्न किया गया, मिल्टन की राइटिंग्स को, कॉमन हैंगमैन लाइक कौन कौन से, कौन कौन सी थी दोनों, है ना। तो ये आपकी शायद बोथ ए एंड बी है, यानी कि इकिनो क्लास्ट होना चाहिए और डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल होना चाहिए, ये दोनों आपके जो है इसमें रखे जाएंगे। लिटरेरी बैलेट, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे देंगे, मैं आपको नहीं दूंगी। तो लिटरेरी बैलेट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, फॉक बैलेट, द बैलेट ऑफ आर्ट, ट्रेडिशनल बैलेट या फिर बैलेट ऑफ ग्रोथ। तो देखिए इसका आंसर आप मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जरूर इसका आंसर दीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, गर्मी बहुत लग रही है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज़।